आज होगी अनबॉक्सिंग एक नए फ़ोन की। जी हाँ, Redmi Note 9 Pro, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये आज इस समय का बहुत ही पॉपुलर फ़ोन है, जो कि 6GB 128GB और 8GB 128GB और उसके बाद 4GB 64GB रैम में उपलब्ध है। तो अभी मेरे पास है Redmi Note 9 Pro Max, जिसकी आज करेंगे अनबॉक्सिंग। लेकिन ख़ास बात यह है, अब मोटा मोटा जैसे कि आपको पता ही होता है बैटरी कितनी है, रैम कितना है, इसका 8nm का प्रोसेसर है, बैटरी कितनी है, 33W का फास्ट चार्जर है, उसके अलावा कैमरा 64MP का है, 32MP डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है, 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 है फ्रंट एंड बैक में, और कैमरा इसका 64MP 8MP 5MP और 2MP है। लेकिन खास बात यह है कि ये वर्क कितना करता है और कैसे करता है। होने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब आप इसे ग्राउंड में देखेंगे, खुद यूज करके देखेंगे, तब पता लगेगा। लेकिन अभी मैं खैर करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, और उसके बाद 4 दिनों बाद मैं बाकी दिखाऊंगा कि ये सच में वैसा वर्क करता है या नहीं, क्या क्या फेस करने को मिलेगा प्रॉब्लम आपको, और क्या कुछ इसमें है खास फीचर। तो चलिए अभी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। चलिए तो अब हम आ गए हैं इसकी अनबॉक्सिंग के लिए। ये मेरे पास पैकेट आ चुका है। वीडियो में थोड़ा उजाला आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस रूम में पर्याप्त लाइट नहीं है। तो अभी ये बॉक्स मेरे पास आ गया। मैंने इसे MI.com की वेबसाइट से ही ऑर्डर किया। देखिए, Redmi Note 9 Pro Max 6GB और 128GB। इस पैकेट को मैंने पहले भी खोला, अभी मैं दोबारा खोल के भी इसे दिखा रहा हूँ एक बार फिर से आपके सामने। तो चलिए हम बॉक्स को खोल लेते हैं। सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल, जो कि सबसे ऊपर रखा हुआ है, और इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने फंसा रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक बिल है जिसमें इसके सभी प्राइस, टैक्स और GST सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये बिल आपका बहुत काम करेगा। ये एक तरह से आपका वारंटी डॉक्यूमेंट के रूप में भी ये काम करेगा। तो इसको संभाल कर रखना है अगर आपके पास ऐसा कोई बिल आता है। तो ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, तो इसलिए दिख नहीं रहा। 17,999 रुपये इसका प्राइस है। अभी फ़ोन निकाल लेता हूँ। इस पे मैंने कवर लगा कर रखा था, और फ़ोन का डिज़ाइन आपको बेहद पसंद आएगा। अभी मैं इसको अच्छे से दिखाऊंगा। अभी मैं नीचे देख लेता हूँ और क्या क्या इसके साथ में है। मैं इसको पलट लेता हूँ। देखिए, ये एक चार्जर इसके साथ में, और ये 33W का फास्ट चार्जर है, जो आपके चार्जिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतर बनाएगा। जी हाँ, 80 से 90 मिनट में आप अपने मोबाइल को फुल चार्ज कर पाएंगे। तो चार्जर मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा चार्जर नहीं है। ये मैनुअल बुक में मात्र इतना ही है, सिर्फ यही 3 पन्ने मोड़ के डाले थे मैनुअल बुक के रूप में। तो ये आप देख लीजिए, बस इंग्लिश में लिखा है कुछ इसमें। तो मैनुअल बुक में आपका बस एक यही पेज मिल जाता है, बाकी कुछ खास नहीं। और इसके बाद ये डाटा केबल भी काफ़ी मोटा है और काफ़ी क्वालिटी वाला है। इसको मैंने लगा के देखा, और ये एक फास्ट डाटा केबल काफ़ी वर्क करेगा। तो डाटा केबल और चार्जर इसके काफ़ी ओरिजिनल हैं, और चार्जर भी बेहद छोटा है, मतलब 33W के चार्जर में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मैंने रियलमी के चार्जर देखे हैं, काफ़ी बड़े चार्जर होते हैं जिसे कैरी करने में प्रॉब्लम होता है। अभी आप इसकी डिज़ाइन देखिए। मैंने इसे गोल्डन कलर इसीलिए मंगाया है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, अब आपका मुझे पता नहीं। ज़्यादातर वैसे ब्लू कलर में मंगाते हैं, लेकिन अब वो काफ़ी आम हो चुका है, तो ये मैंने अलग से गोल्डन मंगा रखा है। मोबाइल के राइट साइड में फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि वॉल्यूम अप डाउन के जस्ट नीचे है। उसे आप प्रेस भी कर सकते हैं, पावर बटन का भी काम करता है। देखिए, ये टच भी करने के लिए फिंगर का भी काम करता है और पावर बटन का भी काम करता है। और इसका डिज़ाइन आपके सामने ही है, डिज़ाइन देख सकते हैं, कर्व में इसको बना रखा है। इसके कैमरे देख सकते हैं, प्राइमरी 64MP 8MP 5MP और 2MP इस तरह से इसके कैमरे दिए हैं, और फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो 32MP का है। आपको यहाँ पर 2+1 सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर आप 2 नैनो सिम लगा सकते हैं। उसके साथ आपको SD कार्ड लगाने का भी सपोर्ट मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। वैसे 128GB पर्याप्त होती है। मैं रुक जाएंगे, अभी इसको मैंने ऑन कर लिया है, और ऑन करके अब इसको देखते हैं अबाउट फ़ोन में जाके कि क्या कुछ है इसका। एंड्रॉयड वर्जन इसका 10 है। देखिए, अब यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, बैटरी 61% चार्ज है अभी इसकी। तो सारी जानकारी आप वहाँ देख सकते हैं। अब इसके कैमरे पे चलते हैं। देखिए, कैमरे में क्या क्या है, स्लो मोशन, शॉर्ट वीडियो, वीडियो फ़ोटोज़, नॉर्मल फ़ोटोज़, 64MP फुल 64MP में, पोर्ट्रेट मोड दिया है, नाइट मोड दिया है, और उसके बाद पैनोरमा मोड।
प्रो में आपको वाइड एंगल कैमरा और मैक्रो लेंस मिल जाता है, वो आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं, मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ इसमें। उसके बाद इसको मैं टच करके देखूँगा, टच एक्सपीरियंस आपको काफ़ी बेटर मिलेगा इसमें, क्योंकि देखिए बहुत स्मूथ वर्क करता है और इसकी स्क्रीन भी मुझे काफ़ी पसंद आई, डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी और टच करने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेटर मिलेगा आपको। तो अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा है, कोई भी डाटा इसके अंदर अभी नहीं डाला गया है। अब नाइट मोड का कैमरा, अभी मैंने इसको नहीं चेक किया, लेकिन फ़ोटोज़ देखिए देख सकते हैं, मैं थोड़ा नज़दीक करके फ़ोटोज़ नॉर्मल फ़ोटोज़ ले रहा हूँ, लेकिन स्पीड में आपको यहाँ थोड़ा कमी देखने को मिलेगा। जब मैं फ़ोटोज़ पे दो बार क्लिक करता हूँ तो सिर्फ एक पिक्चर क्लिक करता है, आप देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, दो बार तो सिर्फ एक पिक्चर, यानी कि थोड़ा आपको होल्ड करना पड़ेगा। एक फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको एक सेकेंड या लगभग एक सेकेंड का या फिर 70 नैनोसेकंड का वेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने दोनों खींच के देख लिया, तो फ़ोटो थोड़ा क्लिक करने में स्लो है ये। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं नॉर्मल। इसका 33 वाट का फास्ट चार्जर आपके बैटरी चार्जिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाएगा और 5020 mAh की बैटरी जो पर्याप्त है, लेकिन अब चला के देखना है कि चलती कितनी। अभी मैं शॉर्टकट में सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी डिज़ाइन मुझे पसंद आया, अब 4 दिन बाद यूज़ करता हूँ कि बैटरी कितनी चल रही है, कितने देर में चार्ज हो रही है और कैमरा कैसा इसका है, तब मैं बाकी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा 4 से 5 दिन के बाद। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।